सबसे पहले तो मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब मीट योर बीइंग चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। यदि आपको लगता है कि इस चैनल के द्वारा एक शुभ कार्य किया जा रहा है तो इसके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ साधकों ने प्रश्न पूछे हैं, यह मेरा कर्तव्य बनता है कि साधना की राह पर चल रहे पथिकों को गंतव्य की ओर बढ़ते रहने के लिए कुछ संकेत करूं, उनके प्रश्नों का जवाब दूं। इसीलिए मैं इस वीडियो में उनकी उत्कंठा का जवाब दे रहा हूं। पहला प्रश्न, स्वामी जी ध्यान करते समय शरीर में कंपन का होने का क्या मतलब है? प्रिय आत्मन, ध्यान करते समय शरीर में कंपन का महसूस होना या शरीर का हिलना एक अच्छा संकेत है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका शरीर और मन एक तालमेल में बैठना शुरू कर देता है। शुरू शुरू में जब साधक ध्यान में बैठता है तब उसका मन शरीर का साथ नहीं देता है। वो जब भी ध्यान करने को बैठता है थोड़े ही समय के बाद या तो उसका मन उठ जाने को करने लगता है या फिर उसका शरीर थकान महसूस करने लगता है, जिसकी वजह से वो ध्यान में मन नहीं लगा पाता है। लेकिन समय के साथ साथ इस तरह की समस्याएं खत्म हो जाती हैं और साधक आसानी से ध्यान की अवस्था में लंबे समय तक बैठा रह पाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि मन और शरीर के बीच एक तालमेल स्थापित हो जाता है। अब बात करते हैं शरीर में तेज कंपन के बारे में, जो कि ध्यान के दौरान साधक को महसूस होती है। ये तेज कंपन साधक के सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है, जिसे एनर्जी बॉडी कहते हैं। जब साधक ध्यान करता है तो ऊर्जा एक जगह केंद्रित होना शुरू हो जाती है। ऐसा होने के दौरान साधक को अपने होने का एहसास नहीं होता और वो एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जहां वो खुद को परम शांति में डूबा हुआ पाता है। इस समय साधक के मन में ना तो कोई प्रश्न होता है और ना ही कोई विचार, वो बस एक जगह बैठा रह जाता है। इस दौरान साधक वो अनुभव करता है जिसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता है। वो उस अवस्था को छोड़ना ही नहीं चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि इस अवस्था में सभी दुखों का अंत हो गया है। इस दौरान शरीर में एक ठंडक और कंपन का एहसास होने लगता है, सांसें थम सी जाती हैं और लगता है कोई और शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर रही है। लेकिन ये सब अनुभव ऊर्जा के बढ़ने और एक जगह केंद्रित होने की वजह से ही होते हैं, जैसे कि ध्यान की यात्रा अज्ञात की यात्रा है। अलग अलग साधकों को अलग अलग अनुभव हो सकते हैं और हां, ये सारे अनुभव आपके ध्यान में आगे बढ़ने के सकारात्मक अनुभव हैं। यदि आपने ध्यान करते समय कुछ और अनुभव किया है तो कृपया शेयर करें।